गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो मैं सुबह सुबह सिर्फ अभी जगी हूँ, सो के जगी हूँ, और देखिए मेरी आंखें भी सूजी सूजी है, पर कैसे दिख रही है आप लोग जान गए होंगे। तो आज है मेरा लास्ट दिन बोईसर में, यादव नगर में, और जहाँ पर मैं रहती हूँ। और आज के बाद मैं चली जाऊँगी, तो मेरा शायद नहीं आएगा यहाँ का ब्लॉग, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अनी के पापा सोए हैं और अनी भी सोई है, और आज हम लोग इतना लेट सोए हैं, क्या ही बताऊँ। अभी ना खाना ना पीना कुछ नहीं बनाया। इधर देखिए, और रूम हो गया है पूरा खाली खाली, और जो ये सब सामान भरना है ना, वही सब सामान है। तो आवाज़ ना गूंज रही है, जैसे घर में लग रहा है ना कि आवाज़ मेरी गूंज रही है पूरा घर में। और सब सामान पैकिंग हो गया है। इधर देखिए, एक बैग है और नीचे भी एक उधर बैग दिख रहा होगा। तो सब सामान पैकिंग हो गया है, और जो भी है थोड़ा मोड़ा, तो उधर देखिए पहनने के लिए कपड़े हैं जो हम लोग पहन के जाने वाले हैं। और खाना बनाना है, तो मटका है तो मटका भाभी को ही जाएगा, और ये चूल्हा है चूल्हा, और मिक्सर, और क्या बोलते हैं वो, ये पंखा, तो ये सब हम पैक करके लेकर ही जाएंगे। तो चलते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, नाश्ता कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और खाना तो भाभी के इधर बनेगा, तो भाभी बनाएंगी, जो भी बनाएंगी भाभी खाना बनाएंगी, और राधा राधा दीदी मतलब भैया को भेजेंगी, मोहन भैया आएंगे तो हम लोग चलेंगे। तो देखते हैं मोहन भैया कब तक आते हैं। तो बहुत अजीब लग रहा है फ्रेंड्स, इतना दिन, 5 साल रहने के बाद, 5 साल रहने के बाद तो हम लोग इधर छोड़ रहे हैं। 6 साल हो गया, 5 साल से ज़्यादा ही 6 साल हो गया, तो 6 साल रहने के बाद छोड़ रहे हैं। तो बहुत बेकार लग रहा है, क्या ही बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम जा रही हो तो जाओ, जा सब ये बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ। और बाहर का देखिए, धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यादव नगर में मेरा लास्ट दिन है, और देखिए गली सुनसान हो जाएगी, और इधर गाँव की गलियाँ सब सुनसान हो जाएगी। तो चलिए देखिए कल्याण में कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। कल्याण में तो वही अकेला अकेला सब कुछ रहेगा। तो चलिए देखिएगा, प्यार दीजिएगा उधर को भी। पहले चलते हैं, काम कर लेते हैं। और पर्दा निकाल दूँ तो रूम में पूरा उजाला उजाला ही आ रहा है। पर्दा शाम को ही कल धो दी थी पर्दा निकाल के। तो चलिए, और अनी देखिए नंगी पुंगी सोई हुई है, पागल है, ऐसे सोती है, और रात में चिल्ला रही थी पानी पीने के लिए बार बार। चलिए अनी पापा उठ जाइए, और जाइए कुछ लाइए सब्जी उब्जी बनाने के लिए। तो जा रही हूँ मैं, तो शाम को धनिया मंगाई थी, तो देखती हूँ कचौड़ी बनाती हूँ क्या बनाती हूँ, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो सुबह सुबह कैसा वीडियो में दिख रहा था, इतना टाइम कैसे दिख रहा है, पूरा तेल तेल हो गया। तो हम खा रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में क्या हुआ है, देखिए कचौड़ी है और इधर चाय है, अवनी के पापा इधर लगे हुए हैं, अवनी खा ली है मस्त। तो अब बस जा रहे हैं, सब बाटला उटला साफ कर देंगे, उसको पैक कर देंगे, सीधा चलेंगे भाभी के घर पे। तो देखते हैं भाभी के घर पे क्या खाना बनता है क्या नहीं बनता है। तो चलिए अवनी, कहाँ जा रही हो अवनी? पता है क्या, सुबह से ना किसी से बोल रही है ना हंस रही है, बस कहीं ना चुप होके ऐसे एकदम बैठी ही रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, सब सामान हो चुका है रेडी, और हम लोग बस निकलने वाले हैं। तो बस कपड़ा चेंज करना है, मैं अपना बाल भी धो ली हूँ, और घर में जब बोल रही हूँ ना तो आवाज़ ऐसा गूंज रहा है जैसे कुछ है नहीं ना रूम में, तो इसीलिए। तो ये सब सामान बस उठा के लेकर जाना है। देखिए एक बड़ा बैग है, और ये भी बड़ा बैग है, ये एक गोनी है, और ये यही बस 4 चीज लेकर जाना है। और इसमें है मिक्सर और पंखा है, तो देखते हैं जाता है कि नहीं। और चेहरा इतना भूत जैसा ना, आज फ्राइडे लाइट कट गई और पंखा भी देखिए निकाल दिए, तो गर्मी हो रही है। और आर्या के पापा आ चुके हैं, तो वहीं पे घर पे बैठे हुए हैं भाभी के रूम पे। तो चलिए चलते हैं, तो उनको दिखाते हैं। और बाकी सब सामान है, तो सब बस निकाल के लेकर ही जाना है। और सब कुछ निकल गया है यहाँ से, देखिए सब खाली खाली एकदम रूम हो गया है। तो 6 साल रहने के बाद फाइनली इस रूम से मैं जा रही हूँ, और जहाँ पे जा रही हूँ शुक्र, भगवान का शुक्र है कि सब अच्छे से हो जाए, जो सोच के जा रही हूँ मेरा काम हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आर्या के पापा।
तो देखिए यहाँ पे आर्या के पापा आ चुके हैं और ये दोनों लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अब बस खाना खा के आराम से कपड़ा वपड़ा पहन के निकलेंगे यहाँ से। और ये मेरा तख्त था जो यहीं पे मैंने सेट करवा दिया है और बाकी सब सामान यहीं पे रहेगा, सब सामान नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सामान है और बाकी सब सामान यहीं पर है। और अब हम लोग खाना वाना खा के निकलेंगे और लाइट नहीं है, पंखा देखिए बंद है, गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए लाइट वाइट आती है देखते हैं आती है कि नहीं, तो वैसे हम लोग जा रहे हैं तैयार होने, चाहे आए चाहे नहीं तो निकलना ही है हम लोग को। तो फाइनली फ्रेंड्स रूम हो गया पूरा खाली और सामान भी चला गया है और अब हम जा रहे हैं छोड़ के बाय बाय हमेशा के लिए। और पूरा तैयार हो चुके हैं, सब लोग तैयार है, देखिए अवनी पापा इधर सामान निकाल रहे हैं और सब लोग चल रहे हैं, बस मैं हूँ तो बस रूम बंद करना है और निकलना है, कुछ है नहीं रूम में, सब खाली हो गया है तो बस चलिए निकालते हैं बाहर। तो देखिए सब लोग रेडी हो गए, यहीं पे बस खड़े हैं, बस ऑटो का इंतज़ार हो रहा है और ऑटो आने में थोड़ा टाइम है और 2:30 बजे की ट्रेन है तो अभी लगभग 2:15 या 2:10 ऐसे ही हो रहा होगा, तो थोड़ा टाइम है तो देखते हैं यही लेके जाते हैं। तो ऑटो आ गया, अब सब सामान उसी में रखा जाएगा और हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए अब बस निकलते हैं और भाभी रूम में गई है, वैसे भी भाभी मेरी वीडियो में आती नहीं है, आज भी नहीं आएंगी वीडियो में, थोड़ा दिखाऊंगी बस, इधर दिख नहीं रही, बस इधर ही खड़ी है, देख लीजिए दिखा नहीं सकती वीडियो में। और क्या हुआ, ताला नहीं मार, चल सबके बाय 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 बाय, चल।